वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निघी गोद विच बड़े ही सत्कार सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। पागा भरिया समा सतगुरां दी कृपा द्वारा प्राप्त हो रहा है। आओ इस समय नूं गुरु प्रेम दे विच भिज के सफला बनाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जगत गुरु गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां ने अपना सुभाव एकदम तो ही बदल लिया। साधुआं फकीरां फकरां दे संग विच जांदे ने, घर दा कोई काम कार नहीं करदे, सारा सारा दिन चादर ताण के पए रहिंदे ने। पिता जी ने ते कहणा ही छड्डिया होया, क्योंकि राय बुलार खान साहब ने आख्या सी अपने पुत्र नूं ना छड्डी। जदों के हालात बद तो बदतर हुंदे गए, कोई सुधार नहीं दिसदा। अज मां त्रिपता अपने पुत कोल बह के आखदी, पुत इन्हां फकीरां साधां ने तैनूं कुछ नहीं देना। अज ते घर विच बैठा, मुड़ घर तों वी जाएगा। जे तेरी हालत यही रही, किसे ने तैनूं अपनी धी वी नहीं देनी। लोग निकम्मा कहिंदे ने, बेकार कहिंदे ने, साथो शरीके दे ताने मेड़े हुण जरे ते सुने नहीं जांदे। पुत्रा छड़ दे खेड़ा साधां दा, कुछ नहीं तैनूं किसे ने देना। क्यों तू जग तों चुप चाप रहिंदा, अपने मित्रां दोस्तां संगियां साथियां दे नाल बोलदा नहीं। माता जी के सारे वचन सतगुरां ने सुने ने, पर मुख तो चादर नहीं चुकी। सुन के आ सुनिया कीता, इन्हां सारे प्रसंगां नूं बड़े विस्थार सहित आप जी ने सरवण कीता है। आओ जी कुछ समां मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम दी सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सुने सब बच जी कह माता, चित न लगिया को बाता। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी बेशक अपने कमरे दे विच पलगे ते लेटे हुए, माता त्रिपता जी कोल बैठ के अपने पुत्र नूं बड़े प्यार विच रो रो के समझाउंदे ने, पुत्रा मन लै कहना। गुरु साहब ने सारियां गल्लां सुनियां ते सुन के अणसुणियां कर दित्तियां। किसे भी गल दा असर कोई प्रभाव सतगुरां ते नहीं पिया। माता त्रिपता जी उठे ने बुड़बड़ाते हुए, कहते कोई नहीं सवेरे जाके विखाई, वेखदियां किहड़े साध तैनूं लैण आउंदे आ, किहड़े साधां दे टोलियां विच जाने। जे पिता तेरे तैनूं कुछ कहिंदे नहीं, इहदा मतलब इह नहीं वी तूं कम वी कोई ना करे ते पढ़े वी किते ना। पुत्रा आपणा आप संभाल के वेख, जवानी दी उमर सौ के पै के गुजारी जानी नहीं। पढ़ रहे पाए मुख बसना,
तूषण पए सो बोले कसना। सहनशीलता दे मालक गुरु नानक साहब महाराज ने माता जी का एक भी कौड़ा बोल सुन के कोई रिएक्शन नहीं दिता, नहीं बोले, चुप ने, शांत ने, अपने आनंद दे विच ने, क्योंकि हुण दुनिया दीआं गल्लां दा असर नहीं हुंदा। जमाने की जग की परवाह छटी हुई है, बेशक अपने भी ताने मार रहे हैं, चिंता ही कोई चिंता ते तां है जे जीवन विच कोई सफाई दे नहीं होवे, किसी के गुलाम होण। माता पिता का सत्कार सतगुर करते सी, पर पिता जी दीआं गल्लां सुन सुन के अपना मन ही पिछे हटा लिया। हर वेले कोई गल सी, पुत पैसे कट्ठे करिया कर, इन्नी जमीन लै ली, पदार्थ आ जाणगे तेरे कोले, पर गुरु साहब ने आस छड़ दित्ती दुनिया की, भी इस जमाने दे कोलों सानू कुछ भी प्राप्त होना नहीं। पर भगत मिहि भगत दशा सी, बेशक जमाना हुण निंदिया करदा है, नानक वेले रहिंदे, काम कार कोई नहीं करदा, पिता दे काम ते ऐश करदा, बड़िया ने बड़ा कुछ बोलिया, पर गुरु साहब हुण परा भगती विच चले गए। भगती की एक अवस्था है परा, जिथे जा करके अपना आप खोया जाता है, जमाने की परवाह नहीं होंगी, लोगों लगता सुता पे है, पर अंदरों वो जुड़िया निरंकार होता है। तकरीबन विरले साधु होंगे ने जोड़े परा की अवस्था से जाते हैं, परा पसंती बैखरी बदमा, ये जीवन दिया अवस्थावान ने जिन्हों पर रब के प्यारे जिंदते हैं। गुरु साहब कहते उस अवस्था के रेंदे ने, परा कहते रोम रोम सिमरन चलता है, जिते बोल के नहीं करना पैंता, बखाना नहीं पैंता, सतगुर अपने आनंद में रेंदे आ, दुनिया की परवाह नहीं हुण होंदी, कौन की कहिंदा है कि मायने रखदा ही नहीं। रहन दिवस पर रहै न कीता, विचरन बोलहे कबहे सुकीता। अगे ते दिने दिने सतगुर घर पए रहिंदे सी, हुण सारी रात भी पए रहिंदे आ, अंदर की अवस्था है, रहन दिनस प्रभात तू है ही दावना, जी जंत सरबत नाओ तेरा ध्यावन। अंदर की अवस्था तो यह आ भी हर वेले वाहिगुरु वाहिगुरु जपते आ, परमात्मा च भिजे हुए आ, कहिंदे हुण घरदिआं नूं बुलाउणा भी छड्डता, पहलां तो मित्र छड्डे ना, साख संबंधी मित्रां नूं छड्ड दित्ता सी, बुलाउणा पछाणदे ही नहीं किसे नूं, दोस्त आ के कहिंदे चल नानक खेडण चलीए, जिन्हां नाल बचपन विच खेडदे सी, हुण किसे दीआं गल्लां दी बहुती खुशी नहीं हुंदी, किसे दे टुट जाण दा भी हुण गम कोई नहीं। मत ने मगन आनंद सहज लखे नर तन सुख कंदा। गुरु साहब ने अपने शरीर की अवस्था नु सहज विच ले आए, पहला ते मन सहज विच आया, सहज की अवस्था मन दी है, ऐवें बाहरों चौंकड़ा ला के बैठे रहो भी मैं मौन वरत रखिया, मन ते गप्पां मारदा, मन ते चुप नहीं करदा, बाहरों दुनिया के धर्म करके विखाओ, अंदरों मन अशांत होया फिरदा, मन परेशान होया फिरदा, उहदा की फायदा। गुरु साहब सहज विच रहिंदे, सहज अंदर दा टका, कहिंदे अंदर दे टका दे नाल नाल सतगुरां ने बाहर दा सहज भी रख लिया। बाहर दा सहज की है, जे चौंकड़ा ला के बैठे आ ते अठ अठ घंटे पंगे ते लंघ जांदे बैठे, किसे ने आके जगा दिता, किसे ने आके उठा दिता ते उठ जाणा है, नहीं वरना उत्थे ही है। कहिंदे ये सहज गुरां नूं चंगा लगदा है, जमाने नूं भाउंदा नहीं। खान पान नहीं रुच सो करही, शांत ब्रित मुख तूषण धरही। कहिंदे जुबान ते ला लिया ताला, ना किसे दी हामी भरदे ने, ना कोई गल सुनदे ने, ना कोई सुणाउंदे ने, कल्ला बोलबाणी बंद नहीं कीती गुरु साहब ने, कहते छकना छकाना भी विसार दिता। कितने होंगे प्रेम की अवस्था के भुख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जब रब प्रेम करता ना तो फिर रब के प्यारे उस प्रेम च इन्ना भिज जाते हैं, कोई उन्होंने अपने आप की सुरत नहीं बनती कितने। जो तक बंदा रब को प्रेम करता है उदों तक वो गल नहीं बनती, जिदन वो कर लग जाता ना फिर
फिर दसिया नहीं जा सकता। कहते खाना पीना तो सार दिता, किसी ने पानी पिला दिता तो पी लेना, किसी ने धक्के ना रोटी खवाती खा लेनी, वरना खाना पीना छड़ दिता। तो मेरे वर्गा पाठ बहुत करता, तो तीन बार रोटी खा के भी बकरी वांग मुँह चलता रहता, फिर भी मैं कहना मैं धर्मी बहुत वड्डा हुंदा। धर्म कमाउण वालिया के जीवन के विचों नींद भुख अते प्यास तिन्नों उडारी मार जांदियां ने। माट आन बहु कर कर ही तो असन खवावे मदर समी तो। कदे कदे आके माता दी माड़े चंगे बोल बोल जांदे आ वी किते सेक लगे नू, उठे ते सही काम कार करे। कहिंदे वे आलसिया सुत्ता रहना सारा दिन, काम कर लिया कर, कोई कदों तक तेरा पिता तेनू कमा कमा के खवाऊंगा। जो महाराज जवाब कोई नहीं देंदे फिर माता जी के मन च बड़ा पछतावा आ जाता, क्योंकि दिल मान कोल आके कहिंदे पुत रोटी खा ले, मां ने धक्के नाल भोजन छका देना, पानी पिला देना, धक्के नाल दुध छका देना, जो छकाता वह छक लेना। कदे आप इच्छा ही नहीं रखी कि मैनू भोजन चाहिए, मिल गया ठीक है, नहीं मंगना नहीं। बेशक सतगुर घर रहिंदे ने पर मां नू चैन नहीं आउंदी। मां हर वेले पुत दी हालत वेख वेख अंदरों परेशान है। दुर्बल पा तव तात शरीर, क्यों न कहूं निज भुज की पीरा। अजगोर दी तरह माता तृप्ता जी कोल बह के कहंदे पुत वेख तू खाना पीना छड़ दिता, तेरा शरीर कमजोर हो गया। लोग भी कहन लग गए भी नानक दुबला पतला हो गया। हुण इह गल्लां दा गुरु साहब ते थोड़ा कोई असर है? असर उदो हुंदा है जदों असीं मानसिक तल ते जिउंदे आ अपनी ईगो लै के, अपनी होंवे लै के। उदों कोई सामने भी ना आखे पिट पिछों भी माड़ा कह जी, उस गल का भी बुरा मनाईदा। ते जिस दिन अंदरों मन सिद्धा हो गया ना, कोई सामने गाला भी कढ के हस के सार देईदा भी फर्क ही नहीं पैंदा। ना गाला ने नाल जाना ते ना गाला कढ़न वाले ने साथ देना, फर्क कर। गुरु साहब नूं माता जी कहिंदे पुत इन्ना कमजोर हो गया है, खाना पीना छड़ दिता है, शरीर का निर्वाह किवें होएगा? जिंदगी जीउण वास्ते छकना छकाउणा जरूरी हुंदा है। आनन पीत अचंचल अंग, बेस न बोलहु संग उमंग। गवाण दीआं औरतां जदों सतगुरां दे माता जी नूं मिलण आउंदियां ने, इक्को गल कह जांदियां, तेरे मुंडे दा मूंह पीला होया पिआ है। लोकां दा ते काम इही हुंदा, इह हुण खांदा पींदा नहीं, इहदी चंचलता खत्म हो गई, इह आलसी हो गया, दलिद्री बण गया। गुरु साहब ने परत के कदे किसे नूं जवाब ही नहीं दित्ता, सुणदे रहिंदे सुण रहे आ जमाने दे वेले थांदे। पर मां नूं इहनां गल्लां दा बड़ा असर हुंदा है। मां कित्थे चाहुंदी उहदे पुत नूं कोई कमजोर आखे, मां तां ना। मां कोई आखे तेरे पुत दा रंग पीला हो गया, यह माड़ा हो गया, सौ नहीं सकती। माता तृप्ता जी के उत्ते जो इन्हों ग का असर पैंदा, वह आके गुस्सा अपने पुत से ला देंगे। कहते वेख हुण ते लोग भी कह लग गए नानक उठ जा कर, कितने गली च गेड़ा गूड़ा मारे आया, तेनू असी हुण काम नहीं कहिंदे। निज संगी के संगम नाही, संगम माही मिल के विचरत क्यों तुम नाही। माता जी कहते पुत क्यों अपने मित्रां नाल नहीं खेड़दा, क्यों नहीं घूमता फिरदा? पहला तो तू मचाई पई सी, लोग नानक नानक करते, कहते नानक बहुत खेड़दे आ। इन्ना कह के मां रो पैंदी, पता नहीं मेरे पुत नूं कीदी नज़र खांदी। मां ने दुख सुख की परवाह ही नहीं की। जो मां का दुख वेख दुखी नहीं होंदे, तो मां का सुख वेख खुश भी नहीं होंदे। बड़ी वड्डी अवस्था है, संसारी लोग इस अवस्था से कदी नहीं जी सकते, कृपा वाला ही जी सकता। माँ रो पिया करे पर पिता जी कदे नेड़े नहीं आते। जिस दिन तो राय बुलार साहब ने आख्या ना कि तू अपने पुत नूं नहीं झिड़कना, जे तू झिड़कना तो तेरे पुत नूं मैं अपने घर रख लैना, सारा खर्चा मैं करूँ। अज तो नानक मेरा भी पुत है। उस दिन तो बाद पिता जी तो बुलाते भी नहीं, पास भी आके बैठते नहीं। वासर निसा एकांत न के तो परे रहो क्यों करत नहीं तो। ते माता जी दे नाल नाल कदे आके चाचा जी भी झिड़कदे आ, पुत सारा दिन सारी रात इको कमरे च कुंडी लाके पिया रहना है। लोकां नूं लगदा पए ने,
पर शरीर करके इतने होंगे ने ते रूह करके दुनिया का उधार कर जाते हैं। बड़ा कुछ गुरु साहब ने झलिया, बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, माड़े तो माड़ा भी जमाने निकलिया, चंगे तो चंगा भी जग कहना रहा, पर छड़ गए ने सारा कुछ एकदम अपना मन पासे कर लिया। हम साधुआ की संगत में भी नहीं जाते, गुलाबा तो यही सीना रोज साधा पिछे तुरै फिर टोलियां बना के फिरद है, तेनू घर की कोई परवाह नहीं, काम कार कोई नहीं करना, पुत वेले घर किमें चलूगा, पिता ने तो खेती भी करा के वेख ली, मझा गावं भी चरवा के वेख लिया, पढ़ा के भी वेख लिया, वो तो एक गल कहते नहीं कुछ नहीं बन सकता, इनकम है मेरा पुत मेरे घर क्यों लिया, मैं तो ही पिता तो स्पष्ट कहते हैं, कहते नानक के जमे तो मैं दुख है, इन्हें कदे सुख नहीं दिता, रुच सो असन करत नहीं खाना, इदों उदर लुज को बलवाना। कई दिन बाद अज माता जी फिर को आके बैठे, कहते पुत तू रज के रोटी नहीं खाता, तेरे पेट में कोई दर्द नहीं, कोई दुख तकलीफ हो गई, तेन हो सकता तू सानू ना दसदा होवे, जे तेन कोई दुख है कोई मर्ज है सानू दस, वैद बुला लेंगे दवाई बूटी हो जाएगी। गुरु साहब ना हामी भरते ना ना करते, बड़ा औखा काम सी भी जे कोई दुख दर्द है वह दसिया जाए, जे दुख हो दसा, उन्होंने जमाने तो पासा वटे है, जग की परवाह छी हुई है। अज माता जी बड़े प्यार कोल बह के अपने पुत को समझाते, कहते पुत मेरी कद सुनते लिया कर, तेन होया की है दसते सही, अगे हसदा खेडता आता सी, रोटी खा जानी दूजिया खवा देनी, हूँ तू आप ही नहीं खा, जे तो कोई तेन मुश्किल है दुख तकलीफ है मैनू दस सकदा है। मोह मोह जननी एव पाखी सुत उपचार करनी अब लाखी। माता जी ने कई बार लिया के जवैन दे देनी, पुराने समय च यही होंदा सी, सोए जवैन ये चीजा लिया करके दे देनिया, बहुत फक्का मार ली, बस जिथे बर्तन जो पा के रखे उत्थे छकते नहीं कुछ, कहते हौली हौली पानी का त्याग करता, दुनिया से मरण वर्त रखते रोगी रोटियां सारे छड़ दें, पानी छड़ता कोई औखा है। गुरु नानक साहब महाराज ने हुण पानी पीना भी छड़ दिता, खाना तो बड़ी दूर की गल है, पानी की एक सिप एक बूंद भी कई कई दिन मुख ते रख दे नहीं। मन ही मन है मनाव महेशा पूज चंडका बोर गणेशा। मां जो दुखी है रसोई में जा जाके माता तृप्ता रोंदे ने, हुण करदे की ने, उन्हां समयां च सिखी का आगाज ते नहीं सी होया, परिवार पहला तो ही सनातन मत नूं मन्नदा सी, पिता जी ने जनेऊ पाया सी, माता ने कदे गणेश की पूजा करनी, कदे चंडी नूं मनाउणा भी मेरा पुत ठीक कर दे, कदे किसे दी सुख सोखणी, देखो इत भले जमाने से उदो, चलो हुण ते दुनिया बहुत एडवांस हो गई, हुण ते कर्म कांड पखंडा तो लोग उच्चे उठते जा रहे, समझ आ रही है। माता जी ने रोज अरदासां करिया करनियां, कल्ले बह के रोया करना भी रब्बा मेरा पुत ठीक कर दे, ये तंदुरुस्त हो जाए, साडे नाल बोलण लग जावे, सुत शरीर को करो अरोगा देओ उपायन जस जिस जोगा। ते माता ने बड़े दान पुन कीते कि मेरा पुत बोल पवे खा पी लवे, पिता ते को गल आख दे कहिंदे नूं कुछ नहीं होया, बिगड़िया होया को सतनाम, बापू हुण सिद्धा ही है, ओह नहीं परवाह करदा, कहता कोई नहीं किन्ने दिन रोटी नहीं खाओ किन्ने दिन पानी नहीं पीओ आपी समझ आ, अगे बापू हुंदे इदां नहीं सी, ते पिता ना कदे हाल पुछण आउंदे आ, कहिंदे जिन्ना मैं इहनूं प्यार करां जिन्ना इहनूं पुछां इह उन्नी आकड़ विखाउंदा है, पर गुरु साहब ने कदे गिला नहीं कीता भी बापू जी इन्ना कुछ बोल जांदे आ, कदे नहीं कीता, लोग बोल जांदे उहनां दी परवाह नहीं सी करदे, ते फिर पिता पिता ने पुछणा ही बंद करता, सवेरे सवेरे पटवारखाने चले जांदे आ, शाम नूं आउंदे ने, बेशक वह पुछते नहीं बुलाते नहीं पर फिक्र जरूर रहा है, पर कहना ही होंगे भी वह धी पुत अपने दिल दिमाग से रखता है, माँ थोड़ा जहा दिखावा कर जाती, फर्क कहने ये नहीं है ना भी प्यो प्यार नहीं करता बच्चों, फिक्र उन्होंने भी होंगे बस उन्होंने फिक्र जिता नहीं आना, तो माँ को ममता होंगी है, माँ बोल बोल के सारा रौला पा छी है, माँ तृप्ता ने अपने पुत को बह के बार बार कहना पुत जे तेनू अपने पिता से गुस्सा ना बुलाया कर मेरे नाते गल कर लाना,
देखो हैरानी की गल यह है कि 1.5 महीना हो गया गुरु साहब ने हामी भी नहीं भरी कि मैं दुखी हाँ या सुखी हाँ, बाकी तो गल तो यह गल माता जी अंदरों अंदर खा रही है। एक तो माँ बेचारी दुखी अपने पुत दलों तो अभी बोलता नहीं, मेरी खाता पीता नहीं, दूजा जमाने शरीके दे मेरे सामने वो भी ज्यों दे नहीं। बंद है करतर परतर सिर को नमो कर है श्री लक्ष्मी बर को। परमाता जी सवेर शाम दोपहरे कदे हनुमान चालीसा पढ़ते आ, कदे कोई पाठ करते आ, कदे किसी रब ना कदे किसी को, क्योंकि ये सिखी प्रचलित नहीं हुई। मैं बार बार बेनती है ता करनी पैंती कि मन में किसी के आवे भी तो हिंदू पात को मानते माता पिता मानते पहला जिदन गुरु साहब ने सोची बख्श देनी उदन तो समझ आ जानी भी निरंकार परमात्मा परमेश्वर ने। अज तो गुरु साहब बचपन के न्याण मत ने संसारी तौर पर बच्चे कह लो पर अंदरों परमेश्वर रूप ने किसी को भेद नहीं अपना दिते। माता जी ने रोज अरदासा करनी पंडित हरदयाल जी के कोल जाके भी परिवार ने बेनती करनी महापुरखो पुत नहीं बोलता साडा, उन्हें अगों कहना कुछ नहीं होया पुत नू वो दुनिया नू बुलाउंदा आखो सतनाम, क्योंकि उन्होंने ज्ञान मिल गया ना समझ आ गई भी नानक परमेश्वर ने कोई आम व्यक्ति बंदे ते है नहीं। कहिंदे पंडित तो भी भरोसा उतर गया भी यह भी साडे पुत दा ही पक्ष करदा है साडे हक विच बोलदा ही नहीं। सुत कर गए कर बहुर बोली कहो अपनी पीरा खोली। कई दिन बाद माता जी तो हाल नहीं देखा जाता फिर आ गया गुस्से में सी चादर खिची उतों सर्दी का टाइम से उठ बाह फड़ के कहते तेन होया कि बोला क्यों गुस्सा सी मां तेरे पुत्र मैं अरदासा भी कर लिया बेनतियां भी कर लिया यहोजी केड़ी बीमारी जरा बोल के भी दसदा बोलते सही खाना पीना छड़िया रोटी पई ठंडी हो जाती है दुध पिया ठंडा हो जाता कभी छकन का ना ही नहीं। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੀਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉ ਇਲਾਜ ਬੈਦ ਬੁਲਾਏ ਬਿਲਮ ਬਿਨ ਆਜਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਮੈਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਦ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਮਸਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜੇ ਵੈਦਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਜੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰ ਯੁਕਤਮ ਕ੍ਰਿਸਤੋ ਦਰਗੋਸ ਕੁਲ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਸਪਸ਼ਟ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਰਦਾਮੀ ਉਹ ਕਾਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਲ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਸਟ ਕਰੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਨਾਥਾ ਉਤਰ ਨਾ ਦੇ ਕੋ ਜਨਨੀ ਸਥਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਫਰਕਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਗੱਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਫੜ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ।
सुध लेवन आवे सब ज्ञाती गिन की नह असरीत सुहाती। जी रौला पैंदा पैंदा बड़ी दूर तक पै गया, सारे पिंड च पता लग गया नानक जी बीमार हो गए, रिश्तेदार तुर पे जी कि बहाना नहीं होंगे आने जाने का, रिश्तेदार आया कर आके एहो जिया गल्लां करिया कर, लग्या करे भी नानक ने तां बचना नहीं। पर दुनिया से गल्लां इहो जी करदी है, लोकी हाल थोड़ा पुछण जांदे आ, चार गल्लां उह सुणा के आउंदे आ वी जे मरीज बचूगा ते बचे ना, वी फलाणा वी सी लै उह ते बेचारा फिर बचिया ही नहीं जी, इन्ने लख लग गए सुणाउंदे आ नहीं जी गल्लां। ते जिहड़ा पेशेंट हुंदा ते सोचदा वी लै वी आपणा तां नहीं सूरज चढ़दा, भी इन्ना कुछ दस गए हालात च बचता ही कोई नहीं, कहते जिहड़ा आया करे कोई क्या करे जी, फांडा कराओ हथौड़ा कराओ, लगता है नानक दे कोई कसर होगी। रिश्तेदार गल्लां करते ज्ञाती रिश्तेदार संबंधी, तो कोई आके आख्या करे फलाने वैद नूं बिखा लो, उत्थे फलाना भी बोल गया सी उह गुंगिया दा इलाज करता है, मर्द ने कदे कोई जवाब नहीं दिता किसी का। तो रिश्तेदार इहो जिहियां गल्लां क्यों करते ने, कहते जदों रिश्तेदारां ने घरों जाया करना तो माँ ने कमरे में बंद करके अपने आप को दुखी करना रोना, की करा मैं गल तो माँ तो होती ना, सारी सारा दुख तो माँ को झलना पैना ना, पिता भी घरों चले जाते हैं, माता जी कल्ले रहते हर वे अपने पुत्र के को, रिश्तेदार की कर सकते हैं, ज दुख दे सकते हैं वो तो वह जख्म छेड़ सकते हैं, दिलासा गुरु साहब का कड़ा होंगे, कहते आना सब ने आके गुरु साहब को बुलाने की कोशिश करनी, बड़े प्यार बुला थोड़ा झिड़कना भी बद नहीं बोलते, ऐसी दशा अज तक मर्द ने अपनी कदे नहीं सीखी, चेहरे का रंग पीला है, चेहरा पछाणिया नहीं जाता, बिल्कुल सुक के कमजोर हो गए, कहते कदे तुरे भी नहीं होते, कई दिनों तो कई महीनों तो इको पलगे ते बैठे रहते ने, भोजन खात ना पीवत नीरू हेरत बीदे पए अधीरू। सारे बड़े दुखी ने, ना तो भोजन छकते ना पानी पीते, रिश्तेदार आते दो दो टाइम रोटी खा जाते, तीन तीन टाइम नानक जी एक बार भी नहीं छकते, ये औखा तम हुंदा होर गया, परेशानी बढ़ गई, बड़े पंडित बुलाए दी कोई इलाज नहीं होया, बड़े तांत्रिक बुलाए सब आपो अपने पखंड के करके जाते रहे, पर गुरु साहब से कोई अफेक्ट नहीं। हैरानी किस गल की है भी वह ना घर दया ना बोलते ना बाहर दया ना बोलते, वैद हकीम भी दवाई दूंगा जी बोल के दसू मेरे दर्द कितने है, हूँ तुम किसी डॉक्टर को चले जाओ बोलो ना, डुन बट्टे बन के बैठे रहो, कहता यार मैं दस देंगे दसना पैना ना, इशारा करना पैना, इतने दर्द हों पेन होती है, फिर अगला काम होता है क्यों हो रही है। गुरु नानक साहब महाराज को कहते छोटे मोटे वैद हकीम आते रहे परहेज दसते रहे, पर गुरु साहब ने किसी को बुलाया ही ना, पूरब सूरत सब बरवारो रोज न खाए नह कर उपचारो। आखिरकार गल इतों तक आ गई जी, परिवार में यह माहौल बन गया, कहिंदे साडे पुत नूं कोई गहरा सदमा है, कोई अंदर का रोग लग्या भी बोलता नहीं, कोई इहो जी गल इहो जिहा हादसा इहने वेख लिया जिहड़ा इहदे मन ते गहरा प्रभाव पै गया, मां तृप्ता नूं रोटी नहीं लगती, खा पिता भी लेंदे रोटी पर औखे सौखे क्योंकि जिम्मेवारियां बहुत वड्डियां, अंदरों अपने पुत की चिंता करते ने, सामने ता नहीं जाते भी इहनूं इह मैनूं पसंद ही नहीं करदा, जे मैं इहदे सामने जाऊं किते होर ना दुखी हो जाए, क्योंकि पिता कोल तो इक्को गल सी चल पुत फिर चार पैसे कमा लईए, किदां दौलत इकट्ठी कर सकदे आ, किवें तेरे कोल जमीन वध आएगी, तूं वड्डा पटवारी बणी। हुण गुरु नानक साहिब महाराज बिल्कुल चुप ते आनंद च ही रहिंदे आ, जदों घर दे विच माहौल बन गया ये रौला पै गया, आंढी गवांढी भी कहण लग गए कहिंदे नानक बीमार हो गया, इहनू कोई रोग बीमारी लगी है, कल सो बोले मिल सो तब तनज है को दुख है को। हुण गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह उन्हां दे पिता नूं लोक कोल बुला बुला के कहिंदे आ भले मानसा अपने पुत दा हाल पुछ, उन्हों कोई रोग लगता है वो ठीक नहीं है, कोई ऐसी बीमारी दे अपने आप विच ग्रसया होया है जिस करके वो बोलता भी नहीं है, हो सकता है वो बोलना चाहता होवे पर नहीं बोलता। जो कहते ये गल्लां पिता नूं लोक बार बार कहन लगे, मन झंझोड़े आ गया ए
तू न चिंत फिर है को कैसे एक सुत बोर जी पा ऐसे। अज पटवार खाने विच सतगुरां दे पिता बैठे, राय बलार साहब दा एक सेवक आया, कहन लग्या कल्याण चंद तुसी किद्दां बैठे रहिंदे हो, पुत तुहाडा बीमार पिया है, मंजे ते पिया है, तुसी खुश रहिंदे हो, जाओ हाल पुछो, लोड़ नहीं चार दिन पटवार खाने आउण दी जदों तक पुत ठीक नहीं हुंदा, पता करो की बीमारी है, की रोग है, की मर्ज है, अंदरों कोई ना कोई बीमारी उन्हें घुण वांग खा रही है। कहिंदे पिता ने जदों गल सुनी ना वो भरिया पिया सी अंदरों फुट फुट रो रहा, अंदर ते टुटे ही होया है, बेशक बापू बाहरों बड़ा सख्त होके रहिंदा है पर अंदरों ते दिल गूम भर गई है। पटवार खाने में गुरु साहब के पिता रो पे अपने पुत्र का हाल वेख, कहिंदे मैं घर तो नहीं जाता, मेरे तो हाल नहीं वेखिया जाता, हड्डियां की मुठ बन गई है, किसे नाल बुलाया बोलदा ही नहीं, बैद बुलाए इलाज करी जे दर्ब लोग नहे तरी जे। राय बलार साहब दे कोल गल आई, उन्हां ने भी सुनेहा भेजिया कहिंदे जा एवें लालच ना कर पैसे दा, सिद्धा ही बोले हो पैसा पूसा ते फिर भी कमा लेगा जे पुत ठीक हो जूगा, जाके कोई चंगा वैद हकीम लभ जिहड़ा उहदी राम च पछाण सके, क्योंकि हुण तक बहुत आ गए जिहड़ा हुंदा नाम ते वेख के चले जांदा कहिंदे नहीं ठीक है ते कुछ नहीं होया। हैरानी की गल है, जे कुछ नहीं होया तो फिर खाधे पीते क्यों नहीं, दुनिया की समझ नहीं आती, ते पिता अक चुके सी थक चुके सी, एक गल ये स्पष्ट ते सच है जब कोई बंदा दुखां चो इन्ना दुखी होके अक जे फिर फर्क नहीं पैंदा हुंदा, कोई जिन्ने मर्जी वैद हकीम दसी जाए कहते यार दुनिया घूम रही होना सी तो उपर की कर सकते वाह सी ला ली सारी। पिता जी ने जो स्पष्ट गल् सुनिया पा मन में कित ना कि आया भी चलो कोशिश का तो हर्ज बन रही है, मसा रब अगे अरदासा कर करके पुत मिलया सी, मैं रोज झिड़कता सी तू काम नहीं करता कि काल दिन 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 आ बैठा, पिता जी को यह गल् सता जी तब टांट अरोग जीवन तो एटे अदक होई तनवन तो। मारदे साथियां ने कहा जे तेरा पुत जिउंदा रहेगा तां ही फायदा तेरे कमाउण दा, जे तेरा पुत ही ना रहा कल्याण चंद दस दौलतां किथे लैके जाएगा, किहदे वास्ते कमाउणा है। कहिंदे जदों आ गल सुनी ना जी उठ के पटवार खाने च पिता रोंदे ही आए खड़े, सट बज गई मन ते, हुण ते लोक भी कहण लग गए तू लालची है, लोग भी कहिंदे ने तू अपने पुत नूं झिड़कदा सी पैसे पिछे माया पिछे, कहिंदे घरे आया कि बैठे ने पानी पीता, अपने भरा छोटे नूं कोल बुलाया, सतगुरां दे चाचा लाल चंद जी कल्याण चंद दे छोटे भरा ने लालू जी कहिंदे जी ना कोल बुला के कहिंदे वीरे आ हम चुके आ लोकां दा, तू ही वेख ला बुला के जे नानक तेरे नाल पुत मैं मिन्नतां कर लईआं तरले कर लए पता नहीं केड़ी गलो परेशान है, सुत सनेहे को मन ते त्यागी दर्ब विखे क्यों पा अनरागी। छोटे भरा कोल आयो भी लड़ पे कहते तू माया कमा ला, क्योंकि वह करते प्रेम गुरु साहब नूं बहुत बड़ा लगाव सी गुरु नानक साहब जी का अपने चाचा जी के नाल, पिता नाल इन्ना नहीं सी, ते लाल चंद कहते तू कमा पैसे कर माया कट्ठी, जब पोते उठता बहिंदा मिलता एक रट तेरे को माया कट्ठी कर ला पैसे कट्ठे कर ला आप वड्डे हो जाएंगे आ कमा लाँगे, हुण की लोड़ है लाज कराउण दी, रहण दे दुखी किते तेरी माया नूं कमी ना लाज नाल कह दे आखो सतनाम। कहिंदे जदों भरा भी कह गया फिर की बीती होगी अंदर, पिता अंदरों टुट गए मन बड़ा दुखी होया ए, तर्क सुनत गया तन की कालो हो तो अनुज टिगत तिसनक लालो। रिश्तेदार भी कट्ठे होके बोलन लग गए सारे, कहिंदे की करेगा दौलत शौहरत जे तू इलाज ही नहीं करवा सकदा, की करना पैसा किथे लेके जाएगा किहड़े काम आउणा है, हथ जोड़दे सारे अगे पिता जी ने कहिंदा मैं कोशिश करदा इलाज करवाउण दी, अगे भी कीतियां ने पर हर बंदा जदों आके कह दिंदा साडी समझ तो बाहर है की रोग है, कहिंदा मैं की कर सकदा हुण ते भाणे ही आ, लोकी कहिंदे नहीं जवान उतर तेरे घरे
लाडा चावान पाले पुत्री सार लै पिता को बुलाने की कोशिश की है गुरु साहब बोले नहीं क्योंकि अज तक तो ऐसा होया ही नहीं कदे जब भी पिता कोई काम कहते भावे वो मंजूर है नहीं है मर्द की कहते सत बचन पिता जी ये सुनते आ रहे हो ना अज तक जे क्या पुत मझा चार कहते ठीक है पिता जी सवेरे जाऊंगा चंगा पुत बीज लै जा समा मन खेती बीज हल बा बलद लै जा सत बचन च जाऊंगा जे पिता ने झिड़किया तो भी हाँ जी बोलिया बोलना छता इस करके ये गल पिता रुनास नहीं सी आ गई रिश्तेदार कट्ठे हो गए गल पै गए सच्ची जो बंदे ते बिपता पैंदी है माड़ा समा आए कोई अपने रस्सियां वर्गे भी सप बन बन डसदे ने आखो सत नाम फिर वो लोग भी जिहड़े कल तक ना साडे अगे पिछे फिरदे सी मत्तां देण लई आ गए तू इत्थे गलत है तू आ कीता क्यों हालात ही दा लिया भरा पै के टुट गए लाल चंद जी कल्याण चंद ने उन्हां तों सुणी कहिंदे रिश्तेदार कह गए कहिंदे सब तेरी मेहरबानी है सब तेरी कृपा है तेरी वजह करके पुत्र दी हालत यह हुई है देखो कसूर की ना निकल गया पिता ने कहते चाहे मेरा पुत बीमार हो जाए चाहता नहीं दसो कोई प्यो भी मेरा पुत मंजे ते पै जे बस ठीक ना हो कोई ना चाहता पर जमाना कई बार बंदे एडा वड्डा गुनाहगार बना के खड़ा कर दिंदा उस चुराहे ते खुद नूं भी इंसान माफ नहीं कर पाता पिता जी के उत्ते कहते एडा वड्डा प्रभाव पै गया रोए दुखी होए भरा लाल चंद कहते रो के की होना है जद वक्त सी उद तू नानक नूं रवाया नित उह तड़फाउंदा सी बैद बुलावण हेत पठाया लालू तह कर जाए बुलाया इत्थे नगर तो बार बार एक वैद रहिंदे सी बड़े मशहूर सन जिन्हां दा समा नहीं सी छेती छेती मिलदा अगे वैद हकीम हुंदे सी डॉक्टर नहीं सी हुंदे गलती उही है डॉक्टर ते वैद च फर्क नहीं अज दे समय डिग्री हो जाती डॉक्टरेट हो जाती उन्हां समय च वैदगी दे लोग अगे हुंदे सी एक्सपर्ट पिता कहिंदे जा लाल चंद तुहानूं जाणदे आ तुहाडे करीबी ने क्योंकि बापू जी के सुभा करके बड़े लोगों की बनती हुई सी एडे बोल बगाड़ सी जी ने जो कहता ना अगला परा भी होके लंघता से कहते छड़ यार एवं बेइज्जती करो क्योंकि गुस्से वाला सुभा से कल्याण चंद जी का उन्हों का सुभा ही वैरी बनया हो इस करके उन्होंने अपने आप को जाने की तरजीह नहीं दी छोटे भरा आख्या लाल चंद कहते जा भाई तू जाया चाचा लालू जी गए वैद को जाके दसिया कहते एमरजेंसी आना पैना था आपातकालीन परेशान हाँ साडा बच्चा बीमार बढ़िया है कई दिनों तो उन्हें कुछ खाता पीता नहीं किसी नाल बोलता नहीं नाम जास हरदास होलासी जगे भाग गा ढिग सुख रासी उस वैद का नाम इतिहास के दर्ज है जो चल के आया नाम सी वैद हरदास हरदास कहते जो उन्हें नानक शब्द सुनिया ना खुशी चढ़ गई अंदरों ही खुशी हुई अंदर दुशियां चाहिए होंगे कदे कदे अपना इदा का दिल होंगे भी बंदा इन्ना खुश होंगे भी की करदा मैं की करदा किन्ने पैसे फूकदा किन्ने कटा दा अंदर ही खुशी होंगे तो कई बार बंदा चंगा भला जी करता कला बह के रोना किसी को बुलावा ही ना किसी को बैठे ही ना यह की है अंदर के ख्याल अंदर की बैठे बाहर दियाँ खुशियां मैंने नहीं रख दियाँ हिरदे दियाँ खुशियां दिल दियाँ खुशियां वड्डियां कहते जो हरदास वैद ने सुनिया उन्हें सारे अपने जिन्हें मरीज को बैठे से उन्होंने छड़ता कहता मैं आया तुम बैठे क्योंकि एमरजेंसी केस है भजे भजे आए हैं सतगुरां के चाचा जी कहते मेरे नाल तुम जाना पैना साडा बच्चा बहुत बीमार है कई दिनों तो कुछ खाधा पीता नहीं हुण बोलता भी नहीं है शरीर कमजोर हो गया है तन पर बसन लई सुखदाई जह पोडे आयो ते थाई पर सतगुर एक मंजी ते पलगे ते पए आ जी उत्ते लई होई कंबली सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि पिंडा दे माहौल इदां दे हुंदे सी रिश्तेदार इकट्ठे सारा मोहल्ला पिंड सारा इकट्ठा होया फिर तां घरे आ गए पिता जी बड़े दुखी आ इदां इकट्ठा जिवें कोई चढ़ाई कर गया हुंदा कहिंदे वैद आया उह वेख के कंब गया भी इस कंबली दे विच पिया होया इंसान ते हड्डियां दी लोट है भाई तुम्हें पता लगता कोल बैठा वैद नूं वेख मां रो पई
ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੈਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਸੀ ਦੇ ਆਵੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਕਾਲੂ ਕਹੇ ਸੋ ਬੈਦੰਗ ਸੁਣੀਏ ਕਰ ਬਿਲੋਕ ਇਹ ਰੁਜ ਕੋ ਗੁਣੀਏ। ਇਹ ਵੈਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਝਿੜਕਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਗ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੈਦ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਰੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਖਾਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਦ ਨੇ ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਕਦੋਂ ਲੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਭੁਣ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਦ ਇੱਕ ਮੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਣ ਗਏ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵੈਦ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਵੈਦ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਨ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਿਓ ਰਹੇ ਸਹਿ ਆਲਸ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਲਾਲਸ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਬੋਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਵੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲਸੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਲਿੱਦਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਈਤ ਬਦਨ
तन खीन कुडर बदन पाई करियो उपचार। वैद ने ना गुरु साहब की कंबली खिची मर्द के नेत्र बंद सी वेख्या चेहरे का रंग पीला अखा बंद ने जिवें शरीर छड़ गए होंगे इदा होया पिया कमजोर। वैद नेड़े होया हाथ फड़ के वेखदा है कहता बहुत ही कमजोर शरीर हो गया हालत बद तो बदतर हो गई है। सुन कर बचन वैद बुद्धवंत बैठियो निकट तबे जग कंता। गुरु साहब की अखां खोल खोल के देख रहा है अखां च लाली है और बंद ने जिन्नी कख खोलदा है खुली छड़ दिंदा बंद हो जाती है। वैद कहता चिंता ना करो ठीक हो जाऊगा क्योंकि वड्डे वड्डे वैद इस दुनिया ते होए ने आयुर्वेद पढ़ के वेखो शरीर दियां नाड़ां विच खून चलदा होना चाहिए बंदे नूं उठा दिंदे आ की नहीं दुनिया ते परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया हुआ है बड़ियां जड़ियां बूटियां ऐसियां इस दुनिया ते अज भी ने बेहोश बंदे नूं पलां नूं खा दिंदियां ने संजीवनी बूटी वर्गियां मुरदे नूं जिउंदा कर दिंदियां सी। बस ये आ कि हुण लोकां नूं साल्ट बनाउणे नहीं आउंदे वह चीज़ा का ही नहीं पता जिड़िया थ्यूरिया उस वे चल रही सी अज नहीं है। बेशक आयुर्वेद की दवाई अच्छी दुनिया खाती पर पोटेंशियल नहीं बना सके कि चलेगी है इस करके नुकसान हो जाता हर बंदा अपने हिसाब से कुट के चार चीज़ा दे दिंदा है। हुण हरेक बंदे का अपना अपना शरीर है। हुण वैद सोचता सी भी जे इस बच्चे को दवाई ला गई ना पिता पटवारी ने एक तो मुफ्त की मशहूरी हो जूगी दूजा चंकी चौखी माया ठीक हो जूगा खुशत नाम पटवारी का पुत ठीक हो गया इन्नी देर का बीमार सी। वैद ने पूरी कोशिश की अपने उस पलंगे तो मूहे तो उठ के गुरु साहब पलंगे से बह गए हलवा मन कोशिश करता है जे उठ के बैठ जावन आनन पाते बसन उघारा हेरत धमनी कर कर धारा। जो मर्द सच्चे पातशाह ने अखा भी ना खोलिया तो आना आया सुनता तो सारा कुछ ही है। कहते वैद ने फिर बांह फड़ दी कहता कोई नहीं दी नब्ज देखते हैं अज भी नब्ज फड़ के 336 पत्रां दे रोग पता ला लेंगे बूढ़े बैठे बंदे की नब्ज ही सारा कुछ है उसे भी पता लगता है पलस चल रही है नब्ज चल रही है धड़कन चलती तो जिंदा ही है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की कहते खब्बी बांह फड़ी नब्ज वेखण वास्ते पर उन पहला तो नब्ज लभी नहीं क्योंकि बाही बड़ी फसली है कमजोरी इन शरीर के खाधा पीता बड़े दिन तो समय तो नहीं सी देख के बह फड़ के कहता धमनी नहीं लगती धमनी नाड़ियां कहते हैं नब्ज में वड्डी धमनी बोलिया जाता है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की नब्ज फड़ के अखा बंद करके वैद वेख रहे हैं रोग की है क्योंकि नब्जा तो वड्डे वड्डे रोग पता लग जाते इसे करके कहान बनया है भी दुख की नब्ज से रग के हथ रखे है रूह फटे गुरु साहब पे सी नब्ज फड़ के वेखद सोचद समा मिला पर समझ नहीं आता भी रोग कोई है क्योंकि नब्ज गुरु साहब की नॉर्मल चल रही है जिम्मे आम लोगों की चल रही है आम भी हर बंद की नॉर्मल नहीं होती तंदुरुस्त बंदी जिस वे नब्ज में हाथ पाया नब्ज बिल्कुल ठीक है हाथ ला के धड़कन वेखी चल रही वो भी सही चल रही है। बैद बदन दुख कदन सो देखा जिसको मन अनकंप बसीखा। जो वैद के मन में भंबल भूसा बन गया भी नब्ज भी ठीक चलती है धड़कन भी ठीक है कहां की बीमारी है वो अंदरों चिंता हो गया परेशान हो गया। मर्द ने वेख्या भी साड़ी बांह फड़न वाला दुखी हो गया रब जी की बांह फड़ता कदे दुखी होता है उन्हें तो रब नहीं फड़ता ही। मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब ने अखा खोलिया सतनाम नेत्र भर के वेख्या कहते वैद हरदास बजुर्ग सी सोना चिट्टा दाड़ा ए करते करख लयो निज कर को उठ बैठे देवन मत बर को। जिस वेले उस वैद ने नब्ज फड़ के अपने कन कोल कीती ना उंगलां ला के तिन नब्ज गुरु साहब ने वेख्या बजुर्ग आ बेचारा जोर लाउंदा झुकदा है मेरे सतगुर उठ के बह गए अखो सतनाम उठ गए अखां भर आईयां मापे
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲ ਵੈਦ ਹੈ ਨਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਟਾਸਕ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਚਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਵੈਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਚ ਬੋਲੇ ਉਤਪਲ ਦਲ ਲੋਚਨ ਸੁਖਦ ਅਚਲ ਭਵ ਬੰਦ ਮੇ ਮੋਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਰੋਗ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੈਦ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਭਰ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਦੇਖਿਆ ਠਾਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੈਦ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਤੱਪੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਗ ਰੁਗ ਦੁਖਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਹੋ ਹੱਥ ਕੀ ਸਾਥ ਸੁਹਾਥਾ ਕਿਆ ਤੁਮ ਜੀਓ ਕਹੋ ਨਿਜ ਗਾਥਾ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਦੱਸ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮਤ ਦਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਬੁੱਝ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਦੱਸ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ ਵੈਦ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੱਚਨ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕਥਾ ਮਰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ